ग्रीन्स वाली में जो आज का टॉपिक रखा है वो मैक्सिकन पिटोनिया पे है। तो मैक्सिकन पिटोनिया क्या होता है, एक तो गर्मी पसंद बहुत ज़्यादा प्लांट होता है ये। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे इसकी फ्लावरिंग बूस्ट होती चली जाती है। वैसे इसके फ्लावर बड़े नाजुक से होते हैं, देखिए बिल्कुल बहुत ही पतली से पेटल है इसकी। देखिए एक मैं आपको तोड़ के दिखा देता हूँ इसमें से, देखिए बहुत ही नाजुक से प्लांट होते हैं पर ये पर्पल होते हैं। और इसमें व्हाइट में मैंने देखा है। तो मेरे पास अभी एक और है, ये मेरे पास पिछले साल के प्लांट थे उनमें से सीड बच गए थे, तो इसमें तो इसी में प्लांट पॉट में मैंने ग्रो किए थे तो उसी में उसके सीड गिर गए। तो मैक्सिमम ये पर्पल निकले हैं, वाइट नहीं निकले, इसका भी पता नहीं कौन सा कलर होगा। पर ये दो वेरायटी में होते हैं, एक तो छोटी सी वेरायटी होती है, मतलब इसकी हाइट ज़्यादा लंबी नहीं होगी। एक ये वाला देखिए, ये 6 इंच के पॉट में ही लगा हुआ है और देखिए कितना बुशी हो रखा है हर जगह। इसमें बहुत सारे प्लांट हैं, मतलब छोटे छोटे इसमें सीड्स गिर गए होंगे इसके। और जो इसमें है ये एक ही प्लांट है और ये लंबा जा रहा है थोड़ा सा। तो फ्लावर इनमें लगभग एक जैसे ही होते हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग कोई शेप का फ्लावर होगा, फ्लावर सेम ऐसे ही होगा। अगर कोई बड़ी वैरायटी भी है ना तो फ्लावर्स ये वाला खिलने वाला उसमें, और कोई अगर छोटी वैरायटी है तो भी उसमें फ्लावर ऐसे खिलने वाला है। बस साइज का थोड़ा फर्क हो जाएगा, जो बड़ा प्लांट होगा उसमें फ्लावर जो बड़ा साइज का खिलेगा, जो छोटा प्लांट होगा उसमें छोटे साइज का खिलेगा। तो ये गर्मी पसंद प्लांट होते हैं, जितनी इन्हें गर्मी मिलेगी उतनी ज़्यादा ये फ्लावरिंग करते हैं। और इनके फूल जब खिल जाते हैं उनके पीछे इनके सीड पॉट बन जाते हैं। जैसे देखिए मेरे उसमें काफ़ी सारे सीड पॉट बन रहे होंगे, अभी मैं दिखाता हूँ अगर दिख जाए कोई। देखिए इसमें अभी मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा शायद, ये देखिए ये रहा, ये जैसे ही फूल इसमें से खिल चुका है अब ये सीड पॉट बनेगा। और सीड पॉट बनने के बाद इसमें से काफ़ी सारे सीड बनेंगे, एक फली टाइप की बन जाती है, छोटी सी फली होती है इतनी सी। उस फली में कम से 5 से 6 या 10 बीज होते हैं, वो बीज को आप सेव करके रख लीजिए अपने मौसम या मतलब आप जैसा आपको कंफर्टेबल फील हो उस हिसाब से इनको ग्रो कीजिए। पर ये 12 मासी प्लांट एक तरीके से, ज़्यादा ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस विंटर में इन्हें कम पानी देना होता है और गर्मियों में इनको बहुत पानी देना होता है, क्योंकि जैसा कि मेरा छोटा सा पॉट है 6 इंच के पॉट में लगा हुआ है तो ये जल्दी से सूख जाता है। इसलिए जो आपकी लीफ येलो नज़र आ रही है ना, वो इसी वजह से नज़र आ रही है, क्योंकि इसे 2 बार पानी देना होता है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 2 बार पानी दे सकूँ, तो एक ही बार पानी मिलता है। तो कभी कभी जब मैं शाम को पानी देने आता हूँ ये लटक जाता है। फिलहाल तो अभी मानसून चल रहा है तो मानसून में इसके फूल खिलते हैं, पर बारिश इतनी होती है कि ये फूल एकदम से ख़राब हो जाते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इनको मैं अगर मेरी सलाह माने तो आप है ना, इसमें पॉट कोई ज़्यादा बड़ा मत दीजिएगा, मैक्सिमम 6 इंच 7 इंच या 8 इंच मैक्सिमम इसमें पॉट रखिएगा। उससे बड़ा पॉट देखिए से कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें कोई ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। पर फूल की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा रहती है। देखिए इसमें छोटा सा प्लांट है 6 इंच का, 6 इंच के पॉट में उसकी फ्लावरिंग की क्वांटिटी देखिए। और ये तो एक मुश्किल से एक बॉन्साई पॉट में लगा हुआ है, छोटी सी ऐसी, ये अपना आप ही उग गया था तो मैंने इसको उखाड़ा नहीं, और ये इसी पॉट में उगा था। और इसकी अभी हाइट भी काफ़ी अच्छी हो रही है, इस पर भी देखिए बड्स बन रही हैं। अब ये मुझे पता नहीं है क्योंकि ये वाइट है या पर्पल है, क्योंकि जो पर्पल वाला फ्लावर होता है ना उसकी बड्स भी देखिए पहले वाइट ही होती हैं, ये देखिए सबकी वाइट है। तो ऐसा लगता है जैसे वाइट फ्लावर खिलेगा पर बाद में खिलता, देखिए खिलता पर्पल टाइप का है। तो इसमें पहला तो यही है कि आप इसे धूप दीजिएगा, पॉट का साइज इसमें छोटा रखिएगा, पानी की क्वांटिटी इसमें बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी गर्मी में, नहीं तो बहुत तेज़ी से ये सूखता है। देखिए मैं कह रहा था ना सीड पॉट बनता है, देखिए ये इसमें सीड पॉट ही बन रहा है, इसमें एक फ्लावर खिला होगा ये वाला, अब ये सीड पॉट है इसमें। अब इसके अंदर ये फली जब ये सूख जाएगी ना, ये वाली फली, तो इसके अंदर कम से कम 8 या 9 फूल बीज निकलेंगे। वो बीज में सेव करके रख लूँगा ताकि ये वाला जो फिर सीड वाले प्लांट होते हैं ना, ये अच्छी बात है कि एक बार आपके घर में आ गए जाते नहीं, अगर आपको लगता है कि मरने वाला, आप सीड फिर से ग्रो की और ये अच्छे खासा फ्लावरिंग करने लगते हैं फिर अच्छे से। तो ये जैसे सीड पॉट बन रहा है मैं इसको सेव जरूर करूँगा और इसी पर पकने दूंगा, ऐसा नहीं कि मैं अलग से तोड़ के से पकाऊंगा, इसी पर ही पकने दूंगा। जब यह फट जाएगा अपना, फली फटेगी तो मैं इसके सीड सेव कर लूँगा। तो आप इसे मैक्सिकन पिटोनिया को अपने घर में जगह दीजिए, बहुत अच्छा प्लांट है। और पर्पल कलर तो वैसे भी बहुत रेयर फ्लावरिंग में मिलता है, तो अगर आपको इसे मौका मिलता है इसे रखने का तो अपने पास ज़रूर रखिए। थैंक यू।